जब हम किसी व्यक्ति या किसी समस्या से परेशान होते हैं तो कुछ ऐसे विचार हमारे मन में बार बार घूमते हैं। ये समस्याएं किसी भी मुद्दे पर हो सकती है, आपके करियर, परिवार या समाज, किसी भी मुद्दे पर आपको परेशानी हो सकती है। अक्सर मनुष्य जब किसी चिंता में होता है या कोई ऐसी बात जो भीतर से कचोट रही होती है तो वह उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और तब तक सोचता है जब तक उसे उसका हल न मिल जाए या उसके मन की बात जिस तक पहुँचानी है उस तक न पहुँचाई जाए। ठीक दिशा में सोचना अच्छा होता है, लेकिन किसी विषय पर बहुत ज़्यादा सोचकर नकारात्मक भाव की ओर बढ़ना आप में तनाव बढ़ाता है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब किसी समस्या पर ज़्यादा सोचते हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। उस वक्त जिस समय आप किसी मुद्दे पर सोच रहे होते हैं तब आप किसी और काम में मन नहीं लगा पाते, जिस वजह से आपके बाकी सारे काम बिगड़ने लगते हैं। तो ज़्यादा सोचने की वजह से आपके काम ज़्यादा नहीं बिगड़े, इससे पहले हमें अपनी इस आदत पर लगाम लगाना होगा। तो ज़्यादा सोचने की आदत को कम करने के लिए आपके लिए ये 8 उपाय लाए हैं, इसे ध्यान से सुनना ताकि आप अच्छे से समझ सकें। पहला, खुद को खुश रखने की कोशिश करें। हमें मालूम है कि हम परेशान हैं, लेकिन परेशानी को बार बार सोचकर अपना अच्छा समय क्यों बर्बाद किया जाए। इसलिए जब किसी बात पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो थोड़ा समय निकाल कर खुद को तैयार करिए, थोड़ा नाचिए, थोड़ा टहलने की कोशिश करिए। अगर कुछ नहीं मिले तो कोई कॉमेडी धारावाहिक देख लीजिए। इतना अगर आप कर लेंगे तो उस पल के लिए आप अपनी समस्या भूल जाएंगे और आगे क्या कर रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे। दूसरा, बीती बातों को ना सोचें। ऐसे बातें जो आपको दुख दे रही है, आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचा रही है, तो ऐसी बातों को बीती बातें सोचकर पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। बीती बातें आप में तनाव बढ़ाती है और साथ ही आपके काम करने की क्षमता पर भी असर डालती है। तीसरा, अपना सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करें। आप इस बात के डर में न रहें कि आपको क्या बेहतर तरीके से नहीं आता, बल्कि ये सोचें कि आपको सबसे अच्छे क्या आता है। जब आप यह सोचने लगते हैं कि आप बहुत सुंदर नहीं हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत समर्पित नहीं हैं, तो आपका डर और बढ़ने लगता है। इसलिए बेहतर है कि अपने डर या कमजोरियों पर सोचने के बजाय अपने सर्वश्रेष्ठता पर विचार करना चाहिए, इससे आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। चौथा, आज में जिए। जीवन जीने का सबसे बेहतर तरीका है कि आज में जिया जाए। जो आज है, इस पल है, उसको जिए। अभी जो जीवन मिला है उसको खुशहाल बनाने में सोचें। जीवन में परेशानियाँ आती है और जाती है, धीरे धीरे सब खत्म हो जाती है, कुछ भी अंतिम नहीं होता। इसलिए परेशानियों के बारे में बहुत ज़्यादा न सोचें, खुद को सुंदर बनाएं और आज में जीकर सभी को खुशहाली दें। पांचवा, विस्तृत दृष्टिकोण में सोचें। जब आपको कोई समस्या परेशान कर रही हो तब आप खुद से बात करें और प्रश्न पूछें कि इस समस्या को लेकर आप इतने परेशान हैं, क्या वो अगले 5 सालों में आपके लिए कोई मायने रखते हैं या अगले 5 हफ्ते तक कोई मायने रखते हैं। अगर आपको इसका जवाब मिल जाए तो आप खुद ही उस समस्या के बारे में सोचना बंद कर देंगे। छठवा, सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश न करें। सब कुछ नियंत्रित करना छोड़ दें। सब कुछ आपके बस में नहीं हो सकता। आप जिसमें बेहतर हैं उस पर ध्यान दें, बाकी सब खुद ब खुद अच्छा होता चला जाएगा। सातवा, नकारात्मक विचारों को रोकने की कोशिश करें। अक्सर जब दिन भर के काम के बाद सोने के समय आता है तब नकारात्मक विचार मन में गूंजने लगते हैं। अगर ऐसे विचार मन में बार बार आ रहे हैं तो उन्हें न कहें, खुद से दृढ़ निश्चय करें कि बस इस विषय के बारे में अब नहीं सोचना। आठवा, खुद को व्यस्त रखें। जब आपको लगे कि आपकी ज़्यादा सोचने की आदत आपके लिए परेशानी का सबब बन रही है तो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखें। इससे आपकी रचनात्मकता में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही आपको खुशी भी मिलेगी। तो दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब आइकन पर जाकर ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि ऐसी मोटिवेशन से भरा वीडियो आपको मिलता रहे। और मिलते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।